वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है। देखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एक टाइप का पैसिव डिफ्यूज़न होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या समझा, हम लोग इस लेक्चर में फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक टाइप का पैसिव डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डिफिनेशन से क्या होती है। देखिए, डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन by transport protein is known as facilitated diffusion। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना कहाँ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में से क्या कहलाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। अच्छा, खास बात इस डिफ्यूज़न की ये है कि इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होती है, ये हेल्प करती है मालिकूल को ट्रांसपोर्ट करने में, सेल के बाहर से सेल के अंदर में। मालिकूल का अगर ट्रांसपोर्ट सेल के बाहर से सेल के अंदर होता है तो उसमें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, या मालिकूल का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर से सेल के बाहर होता है उसमें हेल्प करता है कौन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो आइए हम लोग ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में इस डायग्राम से समझते हैं, और हम लोग इस डायग्राम के हेल्प से समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। ये हमने पहले बताई है क्या हमारी सेल है, ठीक है ना। ये हमारी सेल है, अब देख सकते हैं ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। हम अच्छे तरीके जानते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, ठीक है ना, लिपिड की बनी होती। तो अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल अगर लिपिड सोल्युबल है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है क्या, लिपिड सोल्युबल है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती, इसलिए ये लिपिड सोल्युबल मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर आसानी से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये मॉलिक्यूल लिपिड सोल्युबल है और हमारी सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी होती, इसलिए लिपिड सोल्युबल मॉलिक्यूल आसानी से सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा। और मान लीजिए यही मॉलिक्यूल है, ये किसके अंदर, सेल के अंदर है, अगर इस ये मॉलिक्यूल लिपिड सोल्युबल है तो ये भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर से सेल के बाहर आसानी से चला आएगा। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल लिपिड सोल्युबल है जबकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड सोल्युबल है, इसलिए ये सेल के अंदर से ये मॉलिक्यूल सेल के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक टाइप का पैसिव डिफ्यूजन है। इसमें हमने क्या बोला है कि क्या बोला है कि मॉलिक्यूल का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। मॉलिक्यूल का हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्या कहलाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये हमारी क्या सेल है ना, ये हमारी क्या सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से हमने यहाँ इसको कट किया, इस सेल मेम्ब्रेन को निकाला, इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना दिया। तो हम लोग ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को हमने लिया कट करके यहाँ ने स्ट्रक्चर बना दिया। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है, यही ये किसी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है मॉलिक्यूल है, ये देखिए मॉलिक्यूल है, ये देखिए ये क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो ये मॉलिक्यूल है सेल के बाहर वाले पार्ट में मॉलिक्यूल है। देखिए आउटसाइड लिखा हुआ ना, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं सेल के बाहर है, आउटसाइड सेल मतलब सेल के बाहर है, ठीक है ना। और ये जो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं मॉलिक्यूल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनसाइड से मतलब सेल के अंदर है। तो ये सेल के अंदर वाला पार्ट हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल के बाहर वाला पार्ट हो गया। तो हमारी डिफिनेशन यही है ना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखिए फैसिलिटेटेड मतलब होता है फैसिलिटी, क्या हो गया फैसिलिटी या हेल्प या मदद होता है, डिफ्यूजन मतलब
मॉलिक्यूल का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, इसका मतलब हो गया डिफ्यूजन। और फैसिलिटी, फैसिलिटेटेड मतलब फैसिलिटी चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, वो इस मॉलिक्यूल को किसकी ज़रूरत होती है, फैसिलिटी की जरूरत होती है, हेल्प की जरूरत होती है, ऐसे डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे ये सेल के बाहर मॉलिक्यूल है ना, सेल के बाहर मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं, यहाँ पे सेल के बाहर मॉलिक्यूल, यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, देखिए 1, 2, 3 इस तरीके से काउंट करेंगे तो यहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है, या कह सकते हैं मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ, सेल के बाहर, ठीक है ना। अब सेल के अंदर देख सकते हैं मॉलिक्यूल की संख्या कम है, देखिए ये सेल का अंदर वाला पोर्शन है, देखिए मॉलिक्यूल की संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, जबकि बहुत सारी संख्या, बहुत सारे नंबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे इस केस में क्या देख रहे हैं कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल के नंबर या संख्या कम है, या मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, जबकि सेल के बाहर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन या मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है। तो डेफिनेशन भी यही है ना कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इस डेफिनेशन यही है ना, मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना या क्या बोलते हैं डिफ्यूज करना कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है ना। तो यही हुआ, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यही होना चाहिए ना, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे है और लोअर यहाँ पे है, तो मॉलिक्यूल का इस तरीके से फ्लो होना चाहिए, ये फ्लो होना चाहिए। लेकिन 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 इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल होंगे वो लिपिड सोल्युबल नहीं होंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में भी वही था कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते थे, लेकिन उसमें कोई फैसिलिटी की जरूरत नहीं होती थी, तो इसलिए हमने देखा था क्या बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते थे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल थे सिंपल डिफ्यूजन में वो लिपिड सोल्युबल थे। लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल होंगे वो लिपिड सोल्युबल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वाटर सोल्युबल होंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेम सिंपल डिफ्यूजन है, बट डिफरेंट ये है कि क्या बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल होता है लिपिड सोल्युबल होता है, जबकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, इसलिए मॉलिक्यूल आसानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाता है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल जो वाटर सोल्युबल होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, चार्ज होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है, देखिए पोलर मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये जो मॉलिक्यूल है ये सब क्या है, ये सब वाटर सोल्युबल है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल होगा वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूल लिपिड सोल्युबल नहीं होता है, वो क्या होता है, वाटर सोल्युबल होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो आएंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को इस तरीके से आसानी से नहीं क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि आएंगे तो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, आएंगे इस तरीके से रिपेल हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे, समझ आए कि नहीं। तो इनको तो जाना है ना, इनको भी तो चाहिए ना, अंदर तो जाना पड़ेगा ना, तभी हमें सेल को मिलेगा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकॉप ग्लूकोज, तभी ना मिलेगा, ये सब हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिपेल होंगे, वापस हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के, वापस हो जाएंगे तो सेल के अंदर नहीं जा पाए, तो हमारी सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इनको भी सेल के अंदर आना जरूरी है ना। तो हम जानते हैं जो सब्सटेंस पोलर होते हैं या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं जो वाटर सोल्युबल होते हैं, उसमें नेचर ने एक सिस्टम बनाया है, सेल मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू ही मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, जो हमने बताया था इस डिफ्यूजन में फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी क्या, फैसिलिटी यही है कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है वही फैसिलिटी देते हैं, वो अपने अंदर से क्रॉस करवा देते हैं सेल मेम्ब्रेन को। देखते हैं, ये देखिए क्या, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दो टाइप के हम मान लेते हैं, एक देखिए ये देख रहे हैं, ये चैनल प्रोटीन कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे है कि नहीं, चैनल प्रोटीन हो गया। दूसरे के बोलेंगे क्या, बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। हमने देखा वाटर सोल्युबल जो भी ड्रग्स होंगे वो किसको फॉलो करेंगे, या तो चैनल प्रोटीन्स या तो कैरियर प्रोटीन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। एग्जांपल के लिए हम लोग देख रहे हैं, हमने दो बोला, एक चैनल प्रोटीन्स होता है, एक क्या होता है, कैरियर प्रोटीन्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग चैनल प्रोटीन्स देखते हैं, तो चैनल प्रोटीन्स कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन पे है कि नहीं है। ये चैनल प्रोटीन एक लाइक ए चैनल, जैसे घर में चैनल होता है ना, जिसे चैनल खुल गया
तो आदमी अंदर जा सकता है, फिर चैनल बंद हो गया, फिर आदमी अंदर नहीं जा सकता। उसी तरीके से चैनल प्रोटीन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे काम करती है। तो इस चैनल प्रोटीन को अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये कौन सा चैनल है, सोडियम चैनल। क्या बोलते हैं इसको, बोलेंगे चैनल प्रोटीन को सोडियम चैनल। तो ये चैनल प्रोटीन्स है कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे लोकेट है। क्यों लोकेट है, क्योंकि जो वाटर सोलबल जो ड्रग्स होता है या लार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना, उस या चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो इस चैनल प्रोटीन के थ्रू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। तो ठीक है, ये चैनल प्रोटीन्स है, ठीक है, तो इसको अज्यूम करते हैं ये क्या है, क्या सोडियम चैनल प्रोटीन, कौन से सोडियम चैनल है, ठीक है ना, क्या है सोडियम चैनल है। तो ये जो हमारे जो मालिक्यूल दिख रहे हैं इसको अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये क्या हमारे सोडियम है। तो यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे जो है सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कम है। तो हम जानते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जो मालिक्यूल हायर टू लो जाएंगे, तो ये सोडियम जब जाएगा तो कहाँ से जाएगा, हायर टू लो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सोडियम है, हाई टू लो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। ये देखिए ये सोडियम है, ये भी सोडियम, ये भी सोडियम, जब भी सोडियम जाएगा सोडियम चैनल के थ्रू जाएगा, ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वाटर सोलबल होते हैं, इसलिए जैसे ही आएगा यहाँ से रिपेल्ड हो जाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, तो ये रिपेल्ड हो जाएगा। तो ऐसे पार्टिकल जो वाटर सोलबल होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो किसके थ्रू जाएंगे, चैनल प्रोटीन के थ्रू जाएंगे। तो ये जो है यहाँ से मान लीजिए ये सोडियम चैनल है, मान लीजिए अज्यूम करिए ये आ रहा ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर, आएगा यहाँ से रिपेल वापस चलेगा, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, जबकि ये जो वाटर सोलूबल है इसलिए नहीं क्रॉस कर रहा। तो ये क्या करेगा, इसी चैनल प्रोटीन के थ्रू क्रॉस करेगा। तो ये सोडियम चैनल है, तो ये सोडियम चैनल है, ये जो है बीच में अभी ये खुला हुआ सोडियम चैनल जैसे है, अज्यूम करिए ये सोडियम चैनल, ये कौन सा है सोडियम चैनल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है सोडियम चैनल। देखिए जब मान लीजिए सोडियम को आना है, तो सोडियम आना तो ऑटोमेटिक ये गेट खुल जाएगा, क्योंकि जो चैनल्स होते हैं उसके बीच में पोर होते हैं, होल होते हैं, क्या होते हैं पोर होते हैं, होल होते हैं, इसलिए चैनल हो गया, बीच होल दिख रहा है ना, पोर दिख रहा है ना, इस तरीके से। तो मान लीजिए जब सोडियम को क्रॉस, ऐसे तो चैनल बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही मान लीजिए अज्यूम करिए कि सोडियम को क्रॉस करना है, तो ऑटो हम जानते हैं कि चैनल में क्या होते हैं पोर होते हैं, तो ऑटोमेटिक ये चैनल खुल गया। तो बीच में देखिए पोर हो गया कि नहीं हो गया, तो आसानी से सोडियम सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा कि नहीं, उसी तरीके से देखिएगा ये हमारा क्या बोलते हैं ओके। तो ये जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है मोमेंट। देखिए अज्यूम करिए ये मालिक्यूल क्या है, सोडियम है, सोडियम है, सोडियम एक चार्ज मालिक्यूल होता है ना, इसलिए लिपिड को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या सेल मेम्ब्रेन पे जो लोकेट है चैनल, ये कौन सा चैनल, सोडियम चैनल, आसानी से सोडियम चैनल के थ्रू होते हुए आसानी से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगा। तो हमने क्या देखा कि वो सब्सटेंस जो लिपिड सोल्युबल ना होते हो, जो वाटर सोल्युबल होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन को सीधे नहीं क्रॉस कर पाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन पे जो चैनल्स होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं उसके थ्रू क्रॉस करते हैं। अज्यूम किया हमने ये मालिक्यूल है, मालिक्यूल क्या है सोडियम है, तो सोडियम एक चार्ज पार्टिकल है, इसलिए ये चैनल्स है सोडियम चैनल थ्रू ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन के सेल के अंदर आ जाएगा। अच्छा बाहर से अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि अंदर सेल के अंदर कम है, इसलिए हम जाते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हायर टू लो डिफ्यूजन होता है। इसको हमने देख लिया। अच्छा दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये चैनल प्रोटीन्स हो गया, हमने बोला था प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक चैनल प्रोटीन्स हो गया, और दूसरा हम लोग देखते हैं दूसरा जो है कैरियर प्रोटीन्स। ये हम लोग जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन पे क्या कैरियर प्रोटीन्स है, ये तो चैनल हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हम लोगों का ये चैनल प्रोटीन्स है, क्या है चैनल प्रोटीन्स है। तो चैनल प्रोटीन के थ्रू कौन से ड्रग्स जाते हैं, कौन से मॉलिक्यूल जाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके थ्रू जाते हैं, चैनल प्रोटीन सॉरी कैरियर प्रोटीन के थ्रू ग्लूकोज क्रॉस करते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया। तो हाई टू लो मतलब स्लोप इस तरीके से है, तो इसमें इस तरीके से मूवमेंट होगा, नीचे की तरफ जाना होगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज इसको फॉलो करते हैं, चैनल प्रोटीन नहीं कैरियर प्रोटीन को फॉलो करते हैं। अच्छा कैरियर प्रोटीन कैसी होती है, लाइक इस तरीके से, जैसे मुंह खुला होता है उस तरीके से चैनल प्रोटीन का मुंह खुला होता है। तो जैसे ही मालिक्यूल आया ऐसे बंद रहेगा, पहले जैसे ही मालिक्यूल आया ये चैनल प्रोटीन ये कैरियर प्रोटीन का मुंह खुल जाएगा, मुंह खुल जाएगा तो क्या बोलते हैं मालिक्यूल आके इसमें अटैच्ड हो जाएंगे। जब मालिक्यूल यहाँ पे अटैच्ड हो जाएंगे फिर ये एंड बंद हो जाएगा, फिर ये एंड खुल जाएगा। अज्यूम करिए ये चैनल प्रोटीन है, ठीक है ना, चैनल प्रोटीन इस तरीके से नीचे के देखिए बंद है और ऊपर का खुला हुआ।
तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा है, यहाँ पे ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जबकि यहाँ की सेल के बाहर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, जबकि सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन कम है। हम जानते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाएगा। अच्छा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, हम जानते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाता है, तो ये कैरियर प्रोटीन है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया, ठीक है ना, हमने बताया ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा सीधे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को सीधे क्रॉस क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है ग्लूकोज एक लिपिड सोलूबल वाटर सोलूबल होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड सोलूबल होती है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा लेकिन फिर रिपेल चला जाएगा, रिपेल हो जाएगा, मतलब वापस चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वाटर सोलूबल होता है, जबकि हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी लिपिड सोलूबल, वापस चला जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल किसके थ्रू जाएगा, कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन का माउथ जो है ऊपर की तरफ खुला होता है, क्या तो ऊपर की तरफ लाइज इस तरीके से होता है, कैसा होता है आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से ये देखिए खुला है कि नहीं, नीचे की तरफ बंद रहता है, ऊपर की तरफ खुला होता है, इस तरीके से कैरियर क्या बोलते हैं ग्लूकोज मालिकूल अंदर आ जाएगा, ग्लूकोज मालिकूल अंदर आएगा, जब अंदर आएगा ग्लूकोज मालिकूल फिर ये एंड बंद हो जाएंगे, फिर ये एंड खुल जाएंगे, तो जिसमें ये अंदर आया ये आसानी से सेल के अंदर आ जाएंगे, देख रहे हैं अभी समझ जाएंगे आप लोग। ये देखिए देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा क्या है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसलिए हाई तो लो आएगा, तो ये जो है सीधे सेल मेम्ब्रेन क्रॉस ना करके इसमें जो सेल मेम्ब्रेन पे जो क्या बोलते हैं कैरियर प्रोटीन है उसके थ्रू जाएगा। तो ये जो है हमारा जो ग्लूकोज आया, देखिए ये माउथ ओपन है ना, इस तरीके से कैरियर प्रोटीन क्या ओपन है, खुली हुई आगे की तरफ, वन एंड ओपन है, आई यहाँ तक पहुँची, जैसे यहाँ पहुँचेगी, अब यहाँ पहुँचेगी ये एंड बंद है ना, ये एंड बंद है, तो यहाँ जैसे पहुँचेगी यहाँ पे पहुँचेगी तो ये एंड अब खुल जाएगा, ये एंड क्या हो जाएगा, ये एंड अब खुल जाएगा, देखिए अब ये एंड बंद हो जाएगा, ये एंड खुल गया, अब ये एंड बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये खुल हो गया, अब ये खुल जाएगा, देखिए अब ये बंद गया, बंद हो गया, ये खुल गया, तो अब देखिए आसानी से अंदर आएगा कि नहीं, अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसका दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल आया यहाँ तक आया, ठीक है ना, यहाँ तक आया, मान लीजिए अज्यूम करिए यहाँ तक आया, ठीक है ना, अब यहाँ पे बंद है, फिर यही देखिए इसी का देखिए इसी का देखिए दूसरा एंड, देखिए इस साइड बंद है ना, इस साइड ओपन खुल जाता है ना, तो ये मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पहुँचा, तो फिर देखिए यहाँ पे खुला है कि नहीं, इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा, समझ आया कि नहीं समझ आया। तो इसमें देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन कौन फॉलो करते हैं, देखिए लार्ज पार्टिकल्स, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकॉप क्लोराइड, ठीक है ना, ये सब किसको फॉलो करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, लार्ज पार्टिकल किसको फॉलो करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू पास होते हैं, और उसके साथ साथ वाटर सोलबल्स जो मालिकूल्स होते हैं वो किसको पोलर मालिकूल या वाटर सोलबल मालिकूल जो किसको फॉलो करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू कौन कौन से मालिकूल क्रॉस करते हैं, लार्ज पार्टिकल सेल में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस करते हैं आयन, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकॉप क्लोराइड, ठीक है ना, ये भी जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। फिर उसके बाद पोलर मालिकूल वाटर सोलबल मालिकूल ये सब किसके थ्रू क्रॉस करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं।